30 वर्षीय शातिर बदमाश की रंजिश में दो भाइयों ने मिलकर चाकू से गोद कर बहरेमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने हत्या की वारदात को समय अंजाम दिया जब बदमाश एक्सीडेंट के बाद दमोह नाका स्थित बाबू भाई होटल के पास भागकर पहुंचा था। मृतक और आरोपी के परिवारों में पिछले 6 वर्षों से रंजिश चली आ रही है। दोनों परिवारों के बीच कई बार खूनी संघर्ष हो चुका है। हत्या की खबर मिलते ही बदमाशों के समर्थक दमोह नाका स्थित निजी अस्पताल पहुंच गए और कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक हनुमानताल दुर्गा चौक खाई मोहल्ला निवासी बिट्टू मराठा उर्फ विकास भाई बंटी मराठा के साथ बाइक से दमोह नाका की ओर जा रहा था, तभी उसकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में दंपत्ति घायल हो गए। दोनों को घायल देख विकास बाइक से भाग कर दमोह नाका पहुंचा। रात करीब 10 बजे के लगभग दमोह नाका चौक पर बाबू भाई होटल के पास में हनुमानताल थाने के पीछे रहने वाले छोटू उर्फ आनंद सोनकर अपने भाई मट्टू उर्फ अनिकेत सोनकर के साथ पहले से खड़ा था। विकास मराठा से उसकी पुरानी रंजिश है। दोनों भाइयों ने विकास के गले साथ ही में पेट सीने गर्दन पैर पीठ पर चाकू से कई वार कर डाले। इसके बाद दोनों चाकू लहराते हुए मौके से भाग निकले। चौराहे पर सरेआम मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। दुकान पर उस समय कई ग्राहक मौजूद थे, वे भी भाग निकले। घायल विकास मराठा को तुरंत पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और हत्या की खबर मिलते ही गोहलपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल कोतवाली होने के चलते वहां की पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए दुर्गा चौक निवासी बाबा उर्फ मनोज सोनकर के बेटे आनंद सोनकर और अनिकेत सोनकर को दबोच लिया। CSP गोहलपुर अखिलेश गौर के मुताबिक विकास मराठा हनुमानताल थाने का गुंडा है। उसके खिलाफ दर्जन भर मामले दर्ज हैं और उसकी गुंडा फाइल खुली हुई है। मराठा और आरोपी सोनकर परिवार में बीते 6 वर्षों से खूनी रंजिश चली आ रही है। 3 साल पूर्व हुए कोमल सोनकर हत्याकांड का बदला लेने के लिए बिट्टू की हत्या की गई थी। कोमल की हत्या में बिट्टू का बड़ा भाई शुभम मराठा शामिल था। 2015 में दोनों परिवारों के बीच फायरिंग, तलवारबाजी और पथराव की घटना हो चुकी है। 14 मार्च 2019 को भी उनके बीच खूनी संघर्ष में दो लोग घायल हुए थे। दमो नाका में न्यू लाठिया बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के सामने यह घटना घटित हुई है, जिसमें बंटी मराठा और प्रवीण राव और बिट्टू मराठा और विकास राव इनके साथ में चाकूबाजी घटना घटित हुई है। इस चाकूबाजी की घटना में बिट्टू मराठा को गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। विवाद का कारण अभी बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। फरियादी जो मृतक का साथी है उसका भी अभी इलाज मेट्रो हॉस्पिटल में है हो रहा है। उसके बाहर आने पर ही उसमें विवाद के कारण स्पष्ट हो सकेगा। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।